भारत माता की जय। मेहनत पूरी निष्ठा के साथ राहगीरी की पूरी टीम अपनी डेडिकेशन के साथ इस कार्य को जुटाने में लगी हुई है और ये बच्चे ये समूह हर संडे को यहाँ पहुंचते हैं। राहगीरी के मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं कि प्रयास किया। माधव नेत्र बैंक का मुख्य उद्देश्य कहा जाता है उसके कारण जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं उनको नेत्रदान द्वारा अंधेपन का सही इलाज कर आंखों की रोशनी लौटाना यही हमारा उद्देश्य है। जिन व्यक्तियों की आंखों की रोशनी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम हमारी इस रैली को झंडी दिखाएंगे लेकिन तभी दिखा पाएंगे अगर हम एक रैली की शेप ले पाएंगे तो मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द हम एक तीन पंक्तियों में अपने आप को ले सभी टीमें जल्दी से तीन तीन की पंक्ति में एक पंक्ति ले लें यही कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी तरह की जो डिसेबिलिटी होती है किसी में तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो कुछ भी करने के काबिल नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग पूरे साहस से पूरे उत्साह से जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो सिर्फ इतनी है कि जो हमारा समाज है उनकी थोड़ी बहुत उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है जहाँ डिसेबिलिटी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनीत शर्मा है। तो जो लोग अंधे हैं जिनको ब्लाइंड हैं उनको आंखें मिले इसलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसलिए जागरूक किया जा रहा है कि बहुत से केसेस में ऐसा है कि यदि आई डोनेट कोई करें यदि हम सब आई डोनेट करें तो बहुत से नेत्रहीन लोगों की समस्या हल हो सकती है और उन्हें एक नव जीवन मैं तो ये कहूँगा नव जीवन प्राप्त हो सकता है। इसलिए यात्रा निकाली जा रही है ताकि हम सबको जागरूक कर सकें कि नेत्रदान में अपना अपना सहयोग दें।